फिर वेलकम बैनल सो मैं यहाँ आज को और एक पिकअप कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ एंड आज का जो पिकअप कार्ड रीडिंग होगा वो होगा वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू अबाउट योर करेंट सिचुएशन ओके सो बेसिकली आपके करेंट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड हो गया ओके बेसिकली आज को थोड़ा सा नॉइजी हो सकता है क्योंकि घर के पास फिर से यू नो एज़ यूजल आज को भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ओके सो इट मे वी अलदबल नॉइजी बट प्लीज फॉरगिव मी ओके सो एनीवेज हमारे पास तीन ग्रुप होने वाला है आप इन तीन ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके चूज कर सकते हो इसका टाइम स्टैम्प लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा एज वेल एज इसका जो क्लोजअ व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा ओके सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ सहल ग्रुप नंबर वन अगर आपने ये फॉरगेट मी नॉट चूज़ किया है ये वाला पर्टिकुलर कार्ड दैन ये आपका रेडिंग है ओके साउथ इट्स रिटर्न रिमेंबरेंस मेमोरीज एंड द पास्ट होल्ड द की ओके आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज किया है वो है पाइराइट ओके सो बेसिकली विद द फॉरगेट मी नॉट रिमेम्बरेंस मेमरीज एंड द पास्ट होल्ड द की एंड पायराइट टुगेदर आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सिंग की ओके okay. यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ पे यू नो इट्स वेरी स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है ओके इन द पास्ट पर है सामने से बहुत लोग बहुत ज़्यादा करेजियस थे एंड बहुत ज़्यादा होपफुल थे ओके okay? uh, या फिर ये आपका एक एस्पेक्ट था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा यू you नो know, आपका होप जो है इट्स लाइक like, बियॉन्ड लाइक इमेजिनेशन एक्चुअली आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा होपफुल थे पा, शायद पास्ट में या फिर कुछ सिचुएशन था जिसके थ्रू से आपको होप के बारे में कुछ सिखाया जा रहा था यानी कि होपफुल रहना कितना इम्पॉर्टेंट है ओके okay? फेथ रखना कितना इम्पोर्टेंट है यूनिवर्स के ऊपर ओके सो शायद देअर्स अ पॉसिबिलिटी आप में से बहुत लोग वीज़ शायद धीरे धीरे यू नो यू आर लूजिंग इट आप वो चीज़ शायद खो रहे हो विद टाइम देट मे बी ए पॉसिबिलिटी सो यहाँ पे अगर आप अभी करेंटली इन योर लाइफ बहुत ज़्यादा यू नो अक्सर सिचुएशनस को लेके आप होपलेस फील करते हो एंड आप ऐसा फील करते हो कि यू नो होप का कोई फ़ायदा नहीं है यू नो फेथ नहीं है यूनिवर्स में uh, सब कुछ खराब ही जा रहा है सब कुछ खराब ही जाएगा अगर यू you नो know, वैसे एनर्जी में हो आप दैन डेफिट यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट uh, से शायद कुछ कनेक्शन है जहाँ कुछ थ्रोमा से शायद आपने डील किया किसी डिसअपॉइंटमेंट से शायद आपने डील किया जिसकी वजह से डोंट यू नो यू कान सीम टू कनेक्ट विद इट एनी मॉर आप में से बहुत लोग उस यू नो होपफुल एनर्जी के साथ अभी कनेक्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है शायद ओके सो यहाँ पर थोड़ा यू नो आई एम सिंग की में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा टेंड हो गया है आफ्टर यू नो दो सिचुएशन ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये एक ऐसा मैसेज आ रहा है जहाँ पे इट्स नॉट दैट इंटेंस ओके सिचुएशन इतना इंटेंस नहीं है बट सिंपली यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहा है कि यू you नो know, ये अगर कुछ फेथ की कमी हो गई है या फिर होप की कमी हो गई है अगर आप कहीं पर एनर्जी लगा रहे हो एंड वहाँ पर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है देन यू आर बिंग गाइडेड टू लुक बैक इन टू यूर पास्ट ओके में से बहुत लोगों के लिए पास्ट uh, मेमोरीज़ की तरफ आपको देखने को कहा जा रहा है क्योंकि शायद पास्ट में यू नो डर्स एक जोश था शायद आपके अंदर एक मैडनेस था एक होप था उसके साथ शायद हमें से बहुत लोगों को कनेक्ट करने को कहा जा रहा है ओके सो इट्स आइडिया और फॉर श्योर हमें से बहुत लोगों के लिए हार्ट चक्रा को लेके हो सकता you know, है आपका हार्ट चक्र शायद यहाँ थोड़ा सा यू नो ब्लॉक्ड है दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी सो so, जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो ये जो फेथ है ये जो होप है इसको वापस लाना है ओके okay? उस पास्ट मेमरीज पास्ट एनर्जी के साथ आपको फिर से कनेक्ट करना है सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग सो डेफिनेटली आम में से बहुत लोगों के लिए यू डोंट इवन नो कि आप इतना पावरफुल हो एंड वही बार बार मैसेज आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहा है कि यू आर सच अ पावरफुल पर्सन लेकिन उसके लिए आपको यू नो यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा थोड़ा यू you नो know, जो लीप ऑफ फेथ लेने का जो है एक यू नो एबिलिटी एक पोटेंशियल होता है ना जहाँ पे यू नो यू हैव दिस इमेंस फेथ यूनिवर्स के ऊपर कि आप छलांग मार सकते हो ओके व्हेन इट कम्स टू अ सिचुएशन क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा ओके okay. सो so, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो so, वो थोड़ा सा एक यू नो कॉन्फिडेंस या फिर एक फेथ आपका यूनिवर्स के ऊपर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ओके सो लेट्स सी विद द विद्रिस्टेलिस्ट एरो हम लोग चार कार्ड निकालेंगे सो फॉर ग्रुप नंबर वन व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू अबाउट योर करेंट सिचुएशन ओके व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू अबाउट योर करेंट सिचुएशन प्लीज व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर वन अबाउट योर करेंट सिचुएशन प्लीज यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ओके ग्रुप नंबर वन अबाउट योर करेंट सिचुएशन प्लीज़ ओके वन लास्ट कार्ड व्हाट इज यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर वन अबाउट योर करेंट सिचुएशन ओके हियर वी गो सो यहाँ पे है टावर एट द बॉडम ऑफ द डेक सो लेट्स सी लेट्स सी ओके सो फर्स्ट कार्ड है आपका मून ओके मून है यहाँ पे आई होप यू आर सीइंग इट क्योंकि यू नो इवन आई कैन सी इट एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन की वजह से नाइन ऑफ स्टोन्स जो कि है नाइन ऑफ पेंटिकल ओके नेक्स्ट है आपका द माइम पेज ऑफ स्पायरल्स जो कि है पेज ऑफ वंस ओके एंड द फोर्थ कार्ड इज मर्लिन द हीरो, जो कि है ऑलमोस्ट मैजिशियन एंड फूल. अगेन द फूल इज़ हियर ये एक्चुअली फूल्स गोल्ड इसको बोला जाता है ओके सो या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ यू नो आई एम सीन कि वो जो मैडनेस है जो चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो एक्सप्लोरर काइंड ऑफ एनर्जी है उसको वापस लाने को कहा जा रहा है यहाँ पे क्योंकि देर इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू से आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो आप में से बहुत लोग एंड जब भी आप उस एनर्जी में होते हो आपका कनेक्शन आप देखेंगे आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग हो जाता है एंड जो साइंस एंड सिक्डनिस उसके बाद आता है ओके okay, इट्स लाइक अनदर लेवल ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो so, हम में से बहुत लोग पढ़े बहुत कन्फ्यूजन यू you नो know, से दिल कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रहा है आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है फॉल्स एल्यूजन जो था अगर किसी फॉल्स सिल्यूजन में आपने कुछ बिल किया हुआ था ये कनेक्शन हो सकता है ये करियर हो सकता है ये कुछ भी चॉइस हो सकता है जो शायद आपने लिया था फ्राम दैट काइंड ऑफ प्लेस जहाँ बहुत ऑफ बैलेंस था आपका एनर्जी या फिर अनग्राउंडड था बहुत कुछ चीज़ें बहुत कुछ चीज़ें क्लियर नहीं था ओके सो आई एम सिंग कि वो सब एनर्जी अभी यू नो टूट के या फिर गिर के बिखर रहा है ओके बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि हम में से बहुत लोगों के लिए अभी आगे आपको अलग फेज की तरफ आपको बुलाया जा रहा है ओके अनादर लेवल ऑफ योर लाइफ एक्चुअली ये एक बहुत ही अलग लेवल का एक फेज़ होगा हमें से बहुत लोगों के लिए जिसके तरफ आपको बुलाया जा रहा है ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सिंग जहाँ पे विद द मून यहाँ पे ही में भी फीलिंग इवन लोनली हमें से बहुत लोगों के लिए बहुत मूथ स्विंग्स हो रहा है शायद फॉर फ्यू ऑफ यू यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिप्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है बट नॉट फॉर एवरीबॉडी आई एम सिंग की हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सैडनेस बहुत है डिसपॉइंटमेंट है ओके okay, किसी पास्ट सिचुएशन uh, को लेके बट आई एम सिंग कि आपको मालूम है कि यू आर बीइंग गाइडेड ओके आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली ग्रुप नंबर वन का टू बी ऑनेस्ट आपका इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना आपको मालूम है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है ओके अम में से बहुत लोग मून के एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद ये जो यू you नो know, अभी अम uh, में से बहुत लोगों के लिए ये जो मून अभी आ रहा है धीरे धीरे ओके आई एम सिंग देयर मे बी सम काइंड ऑफ चेंज या फिर एक रिलीज हो सकता है ओके okay? जो होने वाला है सम काइंड ऑफ लेसन जो आप यू नो लेसन एक कंप्लीशन में पहुँचेगा शायद फॉर ग्रुप नंबर वन एंड यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको आपके सिचुएशन को लेके सो देआर सम काइंड ऑफ रिलीज जो हो रहा है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ है जो आप जाने दे रहे हो क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू ये आपके लिए काम नहीं आएगा ओके okay, आगे बढ़ने के लिए सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई एम सिंग कि यहाँ पर या yeah, डेफिट बहुत शेडोवर्क भी हो रहा है यहाँ पे यानी कि कुछ चीज़ें जो शायद आप बहुत टाइम से बरी रख रहे थे अपने अंदर वो सरफेस में आ रहा है एंड आप उसको हील कर रहे हो ओके एंड आई एम सिंह कि इन दिस प्रोसेस जैसे कि आप अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे यू you नो know, बहुत ज़्यादा इंटेंस रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर वन ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है so, यहाँ पे सो विद द नाइन ऑफ पेंटिकल आई एम सिंह की यहाँ पर यू आर बिंग कॉल टूवर्ड्स हायर परस्पेक्टिव ओके अपने लाइफ को लेके अपने गोल्स को लेके एंड ये डेफिनेटली ये आपके लाइफ में बहुत यू you नो know, जो भी आप चॉइस बनाने जा रहे हो इन द अपकमिंग डेज हमें से बहुत लोगों के लिए ये करियर को लेके हो सकता है क्योंकि यू नो डेयर सम काइंड ऑफ चॉइस जो आप बना रहे हो जो शायद आपको एक सोलो uh, जर्नी में भेजेगा इन सम वे जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी में आप इन्वॉल्व होने वाले हो जहाँ पे अपने लिए आप बहुत कुछ करने वाले हो आगे बढ़ के ओके सो ये वैसा वाइब मिला जहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसके तरफ आप आगे बढ़ो यहाँ पे आपके एनर्जी में असेंशन होगा ओके okay? एंड ये बस फिनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे इट्स ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल ग्रोथ आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो ओके एंड द यूनिवर्स इज वन थिंग यू डो नो कि बेसिकली आप ऑलरेडी असेंशन जर्नी में आगे बढ़ रहे हो ओके यानी कि आपका एनर्जी जो है वो धीरे धीरे जो फ्रिक्वेंसी है आपका वो बढ़ रहा है ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीन सो डेफिनी ये आपको सोलो जर्नी लग सकता है हम में से बहुत लुक यू आर ऑल्सो हैप्पी टू बी ऑन दिस जर्नी क्योंकि यू you नो know कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ग्रोथ जब आप अपनी ऊपर काम करने लगते हो तभी यू you नो know, आप सही एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो सो फो ग्रुप नंबर वन दैट्स वन ऑफ़ द मैसेज आई एम गेटिंग सो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि यू नो मूव टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन जहाँ पे आप एक्सप्लोर करने का जो एक एक्साइटमेंट होता है वो आपको वापस लाना है अपने लाइफ में फिर से ओके दिस इज डेफिनेटली अबाउट लिविंग बिहाइंड समथिंग ओके ये कुछ हाउ um, टू like okay? से दैट दिस इज लाइक ईगो ओके अर्ली रम से कुछ यू नो इल्यूजन्स जो है जिसको आप पीछे छोड़ रहे ओके आई एम सिंह इट्स ऑल अबाउट लाइक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट ये सोल फुलफिलमेंट की तरफ आप आगे बढ़ो एक्चुअली एंड आई एम सिंह जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे द यूनिवर्स वानस यू टू नो कि यहाँ पे बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिया जाएगा ओके okay? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी आएगा आपके लिए एंड आई एम सिंग कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको हेल्प करेगा अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए ओके एंड आई एम सिंग कि वंस यू कनेक्ट विद दैट एनर्जी जो आपका इनर चाइल्ड है एंड जो एक्साइटमेंट है लाइफ को जीने का एंड एक्सप्लोर करने का जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट करेंगे आई एम सिंग इज लाइक मैसिव मैसिव ओपनिंग अप फॉर ग्रुप नंबर वन ओके यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा एक पोर्टल या फिर आप बोल सकते हो कि एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा एंड आई एम सिंह कि इट्स ऑल अबाउट टेकिंग द लीप ऑफ फेथ आप में से बहुत लोगों के लिए एक छलांग आपको मारनी पड़ेगी ओके एंड आई एम सिंह कि यहाँ पे पास्ट एंड मेमोरीज आई एम सिंह कि बहुत कुछ चीज़ें आपको यू नो होल्ड बेक कर रहा है या फिर इन सम वे Uh, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको नीचे खींच रहा था बहुत टाइम से शायद ये अनहील्ड हील्ड है जिसको आपने अभी तक हील नहीं किया क्योंकि आप उसको बरी कर रहे थे एंड करेंटली वो सब कुछ सरफेस में आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए एंड इसी प्रोसेस में हीलिंग हो रहा है ओके सो डेफिनेटली दैट्स वाट आई एम सींग आउट हीर सो लेट्स सी फर्दर मोर हम लोग और देखते हैं सोल्थ हेल्पर और एकल कार्ड से हम लोग दो कार्ड निकालेंगे सो वट इज़ द यूनिवर्स Trying to tell you what is the universe trying to tell you about your current situation what is the universe trying to tell look number one about your current situation it is time for a change do not wait or put off decisions any longer इट्स टाइम टू चेंज ओके सो डेफिनेटी ग्रुप नंबर वन के लिए वही मैसेज आ रहा है यहाँ पर अभी टाइम आ गया है आपके लिए कि आप ये चेंज जो है वो खुद लाए क्योंकि आई एम सिंग की इनिशिएटर आप खुद ही हो ओके इट्स नॉट समथिंग एक्सटर्नल मुझे यहाँ बहुत सोलो काइंड ऑफ एनर्जी मिले यानी कि जो डिसीजन आपको लेना है इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन यू यानी कि ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस बनाने वाले ओके okay? एंड अगर आप लीप ऑफ लेना भी चाहेंगे इट्स ऑल अबाउट यू यहाँ पे कुछ मुझे एक्सटर्नल uh, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ दिखाया नहीं पड़ रहा है ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए चेंज जो है वो आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा वेन इट कम्स टू योर करेंट सिचुएशन ओके सो लेट्स सी यू कास्ट स्पेल विथ योर एग्जिस्टेंस मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियनली विद इन यो वाओ सामने से बहुत लोग के लिए आई एम डेफली सींग वेरी स्पिरिचुअल पीपल आउट हियर आप लोग डेफिली स्पिरिचुअल जर्नी में रहे हो बहुत टाइम से कि फॉर ग्रुप नंबर वन वेरी मैजिकल पीपल आउट हियर आप लोगों में यू you नो know, एक बहुत ही अलग सा एक स्पिरिचुअल गिफ्ट साइकिक गिफ्ट एंड एबिलिटीज़ है एंड आई एम सिंग की इस लाइफ टाइम में आपको उसको यूटिलाइज़ करना है इट्स नॉट हीयर विदाउट एनी रीज़न ओके आई एम डेफिनेट सिंग की यहाँ पे अपकमिंग जर्नी आ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे यू आर बिंग गाइडेड कि आप इसको फुल्ली यूटिलाइज करें उसमें और ज़्यादा घुसे ओके क्योंकि आई एम सिंग द मैजिक फ्लोज थ्रू यू हमें से बहुत यू आर अ द मैनिफेस्टर अगर आप डिसाइड करेंगे कि आई वॉन्ट ब्रिंग दिस चेंज इन माई लाइफ एंड मुझे इसी डिरेक्शन जाना है आई एम सिंग कि आप बहुत ही यू नो फास्ट पेस में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो एक्चुअली फो ग्रुप नंबर एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स एंड फिफ्टीन ओके सिक्स एंड या डेफिने दे आर सम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल द लव ऑफ़ योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू द रम ऑफ़ योर ट्रूथ इज़ ओपनिंग अप सो यहाँ पे कुछ एक बहुत ही बड़ा सा ट्रूथ आप अपने बारे में धीरे धीरे यू नो रियलाइज करो ओके डेफिने आप लोग यहाँ पे जो Uh, दूसरों का प्रोजेक्ट किया हुआ आपके ऊपर जो एक आइडेंटिटी रहा है शायद आप में से बहुत लोग एक सोच रहे थे कि यू आर दिस ओके यू आर डैट बट आप धीरे धीरे समझ रहे हो कि यू आर नॉट लाइक दिस और यू आर नॉट लाइक दैट ओके यहाँ पे एब्सोल्यूटली आपका जो मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ है वो बाहर निकल रहा है धीरे धीरे एंड यू काइंड ऑफ लाइक गेट इट आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप धीरे धीरे जान रहे हो कि यू नो नो दिस इज नॉट मी ये फॉल्स इल्यूजन है मेरा जो एक्चुअल सेल्फ है जो मोस्ट ऑथेंटिक यू नो वॉइस या फिर मोस्ट ऑथेंटिक जो सेल्फ है ये बहुत ही अलग है एंड इट डजन रेजोनेट विद दिस सो आप में से बहुत लोग अपने पास्ट सेल्फ इमेज को पीछे छोड़ रहे हो दैट्स वन थिंग आई एम सिंग जहाँ पे यू you नो know, बहुत कुछ चीज़ें जो पहले आपको प्लीज करता था वो अभी प्लीज भी नहीं करता है सो दिस इज लाइक वेरी मैजिकल काइंड ऑफ एनर्जी जो आपके लाइफ में करेंटली चल रहा है एंड द यूनिवर्स वॉन्स यू टू नो कि इट्स हैपनिंग बिकॉज आप फाइनली अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो ओके एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो ट्रूथ है आपका इनर ट्रूथ वो धीरे धीरे इट्स बिकमिंग वेरी वेरी यू नो विजिबल uh, ओके okay? या फिर ये आप बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑडिबल हो रहा है आपका ओके okay? जो आपका मोस्ट ऑथेंटिक वॉइस है स्वाम so सिंह कि आप रियलाइज कर रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन सो so यहाँ पे आपका जो पर्सपेक्टिव है अपने आप को लेके वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है चेंज हो रहा है एंड यू आर रियलाइजिंग हु यू एक्चुअली आर आप में से बहुत लोग वो वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन के लिए यहाँ पे अपने आप को रोकिए मत किसी चेंज की तरफ आगे बढ़ने से बिकॉज दैट्स द गाइडेंस यूनिवर्स इज गिविंग टू यू बिकॉज यू नो इट्स टाइम कि आप आगे बढ़े ये पास्ट का साइकिल जो है उसको पीछे छोड़ने का टाइम आ गया क्योंकि एम सिंह की ये बहुत ही शायद में से बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी था ओके इन द पास्ट कुछ वंस था बहुत टाइम से इट हैज़ बिन लाइंग डीप विद इन यू ये यू you नो know, बहुत वक्त से ये आपके एनर्जी को नीचे खींचते आ रहा है एंड आई एम सिंह कि अभी फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि नो दिस इज़ नॉट फॉर मी ये मुझसे नहीं होगा एंड इट्स टाइम टू मूव फोर ये बहुत ज़्यादा यू नो वैसा रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है सो so, लेट्स हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे सो so, What is the universe trying to tell you about your current situation? Okay. What is the universe trying to tell group number one about your current situation? Please. One card at a time. What's the universe trying to tell group number one about your current situation? So here we go. The energy around you is beautiful, hesitant, and humble, with a discriminating, diligence and painstaking air. Virgo, hey, hape. So let's see. Kya nikla hai? जेमिनाई है द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव मिसचिवियस लाइवली एंड इन्फॉर्मेटिव स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल ओके नेक्स्ट जो निकला है प्लूटो योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म टेक अ बिकली फॉरवर्ड एंड रिबर्ड ओके सो आम ए बहुत लोगों के लिए विद अ जैमिनाए ये शायद किसी यू नो इंफॉर्मेशन यू नो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है शायद करेंटली एंड आई एम सिंह कि यहाँ पे या डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल आप में से बहुत लोगों के लिए या फिर ये कुछ कम्यूनिकेशनस है जो मेजर रोल प्ले कर रहा है करेंटली आपके लाइफ में व्हेन इट कम्स टू दिस चेंजेस आप लोग बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो शायद करेंटली सो so, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं से एंड देयर दिस इनर रियलाइजेशन जो आपको हिट कर रहा है कि यू you नो know, दिस इज़ इट एंड दिस इज़ नॉट एट ओके ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू आर फाइनली रियलाइजिंग कि कहाँ आपको जाना है किस डायरेक्शन आपको जाना है एंड द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो कि क्लियर ऑडियन काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे दिखाई पड़ रहा है सो थ्रू कम्युनिकेशन ओके okay, यहाँ पे म्यूज़िक के थ्रू से आपको कुछ मैसेजेस मिल सकता है सपने में कुछ कम्युनिकेशन यू नो आपको मिल सकता है इन सब में एंड वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा ओके okay? आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में सो आई एम सिंग यूनिवर्स आपके साथ यू नो साउंड के थ्रू से कनेक्ट कर रहा है ओके कम्युनिकेशन के थ्रू से कनेक्ट कर रहा है एक्चुअली एंड आई एम सिंग डेफली यू आर बिंग गाइडेड टुअर्ड्स अ सर्ट इन ओके यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में करेंटली चल रहा है सो इट्स वेरी इंटेंस ये ईजी नहीं है फॉर श्योर sure. क्योंकि यहाँ पर काली है द टावर एंड जो काली माँ यू नो काली माँ बेसिकली इट्स अबाउट डिस्ट्रैक्शन इल्यूजन जो है जिस फॉल्स इल्यूजन को आप इतना यू you नो know, इतने टाइम से आप उसको होल्ड ऑन कर रहे थे एंड यू हैव बिन थिंकिंग कि ओके दिस इज़ माई रियलिटी दैट इज़ फॉलिंग अ आपका जो यू uh, नो you know, एक सेंस ऑफ रियलिटी है वो गिर के बिखर रहा है ओके okay? बेसिकली जो यू नो फॉल्स इल्यूजन के ऊपर आपने बेस करके एक रियलिटी बनाया था अपना दैट इज़ फॉलिंग अपार्ट सो अभी जो जिस डायरेक्शन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी इट्स ऑल अबाउट बिंग ट्रू टू योर सेल्फ बिंग ट्रू टू योर सोल यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने सोल को लेके ट्रूथफुल रहिए अपनी इनर वॉइस को लेके ट्रूथफुल रही है यहाँ पे कुछ मोल्डिंग या फिर कुछ चेंज या फिर यू you नो know, यहाँ पे पीपल प्लीजिंग या फिर यहाँ केमोफ्लैच करने की जरूरत नहीं है अपने एनर्जी को दैट्स थिंग आई एम सिंग ओके फॉर ग्रुप नंबर वन सो डेफिट इट्स अ वेरी इंटेंस शिफ्ट आप लोग फाइनली कुछ ना कुछ बहुत ही मैसिव एनर्जी uh, अपने लाइफ में रिलीज करो करेंटली एंड द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो जिसके वजह से यू मे फील टायर्ड ओके करेंटली आप टायर्ड फील कर सकते हो बट आई एम सिंह कि एक मैजिक आपके हैंड uh, या फिर आपके हाथों में दिया जा रहा है ओके इट्स लाइक बेसिकली पावर जिसके थ्रू से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अभी से कुछ भी पेन कर सकते हो एक यू नो प्लेन है एक कैनवास में सो यू आर बींग गाइडेड टू मूव टूवर्ड्स योर फ्यूचर ओके सो लेटमी सी सो यहाँ पे एक शायद रूटीन भी आमें से बहुत लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है ओके इन इन समय और आदर एक शायद रूटीन रहा था ओके देर सम काइंड ऑफ शिफ्ट हैपनिंग इन दैट या फिर एक जो डेली डे टू डे एक एनर्जी था उसमें चेंज आ रहा है शायद ओके okay? जो आप पहले करते थे वो अभी आप नहीं करते हो uh, जिसके साथ यू you नो know, आप पहले रेजोनेट होते थे वो अभी आप रेजोनेट नहीं होते हो ओके सो देर्स सम काइंड ऑफ अ शिफ्ट सो लेट सी हम लोग एनर्जी और एक कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे ओके okay?

ओके अ लाइफ पार्टनर ओके जिसके तरफ आपको गाइड किया जा रहा है एक लिप ऑफे लेना है टुवर्ड्स अ न्यू या अ न्यू सेंस ऑफ लव या फिर अ न्यू फॉर्म ऑफ लव ओके उसी चीज़ के तरफ आपको गाइड किया जा रहा है सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू लव हो सकता है न्यू पार्टनरशिप हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पर आप सेल्फ़ लव सीख रहे हो ओके okay? आपके लिए क्या प्रायोरिटी है आप उस पर यू नो फोकस कर रहे हो ओके एंड आई एम सिंह यू आर बिंग ओपन टू न्यू ब्यूटिफुल एनर्जी आप पॉजिटिव एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा ओपन हो अभी से ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सिंह जहाँ पे आप अपने हार्ट के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो एंड जो भी आपका हार्ट यू uh, नो you know, हार्ट का डिज़ायर है आप उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो धीरे धीरे सो दैट्स वन थिंग आई एम सिंह एंड आम से बहुत लोग के लिए आई एम सिंह इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज अगर आप यू नो करियर में चेंज हो रहा है या फिर आप अभी फोकस करो करियर में एंड आप इसको कुछ यू नो स्परिचुअल मीनिंग दे रहे हो अपने करियर को इन सम वे क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब मिल रहा है एक्चुअली सो आई एम सिंह कि जब आप ये करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे यू आर अलाइनिंग योर मेटेरियल वर्ल्ड टू योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड वे ओके जब आप ये अपने प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस में लाएंगे आई एम सिंह के आमे से बहुत लोग एक ऐसे इंसान से uh, मिलने वाले हो जो आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है ओके सो दैट्स वन आईम सिंह फॉर सम ऑफ यू अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन आई एम सिंह की इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ़ फेथ विद दिस पर्सन यहाँ पे इस इंसान को लेके आपको लीप ऑफ फेथ लेना है ओके okay, अगर यू ऑलरेडी नो कि कुछ मेस्टअप है एनर्जी पास्ट का एंड यू डों गो बैक दैन आई एम सिंह कि आपको बोला जा रहा है कि उस एनर्जी से आपको मूव ऑन करना है टूअर्ड्स अ न्यू एनर्जी ओके डेफिट मुझे ये बहुत नया वाइब दे रहा है एक्चुअली आपको बोला जा रहा है कि नए एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़िए ओके सो लेट्स विद द सेक्रेड रेबल ऑरगल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे सो वाट इज द यूनिवर्स ट्राइंग टू ट्रेवल

कॉन्शियस कनेक्शन से जिसके वजह से यहाँ पे यानी कि आप इतना सेंसिटिव फेस के थ्रू से चल रहे हो एंड आई एम सिंह कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत टॉक्सिक एनर्जी से डील किया टॉक्सिक लोगों से डील किया टॉक्सिक सिचुएशन से डील किया एंड यू हैव बिन कम्प्लीटली ड्रेन्ड एंड अभी करेंटली ऐसा सिचुएशन चल रहा है शायद जहाँ पर फॉल सिल्यूशन गिर के बिखर रहा है यू ऑलरेडी न्यू है डिप डाउन कि यू you नो know, क्या आपके लिए टॉक्सिक है एंड क्या आपके लिए हेल्दी है पर अभी इतना क्लियर हो गया हमें से बहुत लोगों के लिए आपका सिचुएशन कि आप और ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या आपसे रेजोनेट खाता है एंड क्या आपसे रेजोनेट नहीं खाता है जिसके वजह से आई एम सिंह की जिस डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ो अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी कॉन्शियस कनेक्शंस बनाइए ऐसे कनेक्शंस जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है जो लोग आपके सेंसिटिविटी को समझते हैं जो जिनका यू नो बिलीव्स आपके साथ एक्चुअली अलाइनमेंट में है ओके आई एम सिंह की वैसे कनेक्शंस आपको बनाना है ओके पीपल हु आर अगर आप एम्पैथ हो देन गो एंड कनेक्ट विद पीपल हु आर एज वेल एम्पैथ ओके सो so, वो एक एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका एनर्जी बहुत ड्रेनड हो सकता है अगर आप गलत लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे तो ओके सो देस अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे बहुत एडवांटेज उठाया जा सकता है आपके एनर्जी का क्योंकि आई एम सींग अ वेरी सेंसिटिव सोल आउट यूर एंड बहुत ज़्यादा गिविंग भी है यहाँ पे यू you नो know, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर वन चूज़ किया है आई एम सींग यू आर अ वेरी नर्चरिंग एंड गिविंग काइंड ऑफ़ पर्सन एंड जिसकी वजह से अभी यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं ओके okay? क्योंकि आप आप ये चीज़ समझ रहे हो शायद अपने अंदर एंड जिसके वजह से अभी आप ये रियलाइज़ करो कि इट्स टाइम कि यू नो कनेक्ट करना है सही एनर्जीज के साथ यू नो तभी ग्रोथ हो सकता है आपके लाइफ में सो आई एम सिंग कि नेचर इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल फॉर ग्रुप नंबर वन फॉर श्योर ओके यहाँ पे आई एम सिंग कि आप जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिलेगा ओके एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आपको मिलेगा दैट्स वन थिंग आई एम सिंग सो यू आर बिंग गाइडेड कि यू you नो know, ये थोड़ा इनर चाइल्ड जो है उसके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए ओके okay? uh, बाहर नेचर के साथ भी कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा नेचर के थ्रू से ओके मदर गाया के थ्रू से सो so वो एक मैसेज आ रहा है सो फॉर सम ऑफ यू देर समथिंग अबाउट अ बटरफ्लाई एंड दे आर शोइंग मी बटरफ्लाई ऑन योर शोल्डर क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे दोनों भी जो इमेजरी है बहुत सेम है बहुत सिमिलर है शोल्डर में यू नो बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन यू नो दो शोल्डर्स बेसिकली ओके सो बेसिकली यहाँ पे मुझे कुछ एक ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन यू ऑलरेडी नो एक्चुअली बहुत चेंजेस हो रहा है बहुत शिफ्ट हो रहा है बट आई एम ऑलसो सिंग की बटरफ्लाई एक आप में से बहुत लोगों के लिए अभी आपका स्पिरिट टॉटम हो सकता है करेंटली बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ मासिव ट्रांसफॉर्मेशन ओके या फिनिक्स है या बटरफ्लाई है सो एवरी थिंग आई एम सिंग की इज लीडिंग टूवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज द इमेजरी आर सो सेम इट्स लाइक यू नो इट्स वेरी सरप्राइजिंग यहाँ पे डेफिनेटली वेरी मच कनेक्टेड टू मदर गाया ग्रुप नंबर वन ओके वेरी मच एंड या देर समथिंग अबाउट योर राइट शोल्डर आई डोंट नो वाई दे आर शोइंग दैट यहाँ पे कुछ बर्ड मार्क हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए या फिर डेयर समथिंग अबाउट योर राइट शोल्डर आई डोंट नो वाई दे आर शोइंगे किसी के लिए रिजनेट होगा किसी इसके लिए नहीं होगा ओके okay? सो so, ये बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे मैसेज आ रहा है सो या दैट्स द मैसेज ओके सो विल जस्ट मूव फॉरवर्ड ओके सो फॉर ग्रुप नंबर वन में से बहुत लोगों के लिए आप जेमिनाई हो शायद कैंसर पाइसिस ओके वर्गो वॉट एल्स एरीस है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू पाइसिस आप पाइसिस हो शायद ओके पाइसिस वर्गो स्कॉर्पियो ओके

सो आई एम सेंग कि फॉर सम ऑफ यू सो यहाँ पर ग्राउंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर टू के लिए विद मोथ और किड यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू you नो know, आप किस जगह से कुछ बोलते हो ना ये आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है ओके okay? यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप नंबर टू आई मीडा से एंड एस्पेशली अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेट चल रहा है सो बहुत कुछ चीज़ें यू ना अभी करेंटली ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें सर्फेस में आ रहा है बहुत टाइम से अगर आपने अपने अंदर यू ना बातें रखी हुई थी वो भी बाहर आ रहा है ओके एंड देस अ पॉसिबिलिटी कि मिसकम्यूनिकेशन हो ओके सो फॉर ग्रुप नंबर टू वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे अगर आपसे कुछ बोला जा रहा है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंसान किस जगह से बोल रहा है ओके okay? अगर uh, क्योंकि यहाँ मुझे डर का एनर्जी मिल रहा है ओके फियर बेस्ड कम्युनिकेशन फियर बेस्ड एनर्जी ओके मुझे कुछ वैसा मैसेज आ रहा है यहाँ पे एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू you नो know, एक छलांग मारने से पहले यू हैव टू ग्राउंड योर फर्स्ट ओके यहाँ पे अपने आप को पहले ग्राउंड कर लीजिए कुछ भी बोलने से पहले ओके okay? सो so, वो एक मैसेज आ रहा है एंड यहाँ पे एज वेल आपके यू नो थ्रू चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है फॉर श्योर एंड यूनिवर्स आपसे बोलना चाह रहा है कि यू नो लिसन एंड स्पीक विद ग्रेटर केयर ओके क्या चीज़ है जो आप सुन रहे हो ओके okay? उसको ध्यान से सुनिए कि वो चीज़ कहाँ से आ रहा है देयर मे बी समथिंग विच मे बी यू नो लाइन डीप व्हेन इट कम्स इनटू दैट कम्युनिकेशन वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है जो आपके लिए वैल्युएबल हो इनफैक्ट ओके ज़रूरी नहीं है कि बस निगेटिव हो यहाँ पे कुछ हो सकता है जो आपसे बोला जा रहा है जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ है यू you नो know, uh, जो वैल्यूएबल है जो शायद आपको जानना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर हैप्स एंड यूनिवर्स शायद आपके साथ उसी के थ्रू से कम्युनिकेट कर रहा है देट में बी अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू ये आपके खुद के कम्युनिकेशन यू नो के एनर्जी के ऊपर फोकस करने को कहा जा रहा है ओके ग्राउंडेड जगह से बोलिएगा जो भी आप बोलते हो ओके एंड किस जगह से आप बोल रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्चुअली ओके कहीं ये डर के जगह से तो नहीं आ रहा है कहीं ये यू नो अनग्राउंडेड जगह से तो नहीं आ रहा है ओके सो दैट इज़ वन थिंग आई एम मिसिंग ग्रुप नंबर यू नो टू के लिए ओके सो या डेफिनेटली अभी बहुत ज़्यादा फायरी काइंड ऑफ एनर्जी से डील कर रहे हो शायद एंड एज़ वेल एज एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आई डोंट नो आई आई एम गेटिंग सेटर्न्स एनर्जी आउट हीयर ओके सो ये बहुत ही कार्मिक काइंड ऑफ फेज है शायद ग्रुप नंबर टू के लिए अभी बहुत ही कार्मिक फेज चल रहा है शायद आपका यानी कि जो जिस चीज़ से आपने पास्ट में डील नहीं किया था वो उससे आपको अभी करेंटली डील करना पड़ रहा है ओके सो इट्स लाइक सर्टीन थिंग्स जो वापस आ रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिखाने के लिए आ रहा है ओके देट में भी वन थिंग आप में से बहुत लोगों के लिए आप किसी को कुछ सिखा रहे हो वो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे ओके okay? सो क्रिस टेरो से हम लोग चार कार्ड निकालेंगे ओके वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू अबाउट दर करेंट सचुएशन वट इज़ दूनवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर टू अबाउट द करेंटुएशन प्लीज इज अबाउट करेंटुएशन ट्राइन टू ट्रुप नंबर ओके है क्वीन ऑफ स्वर्ट्स ओके सो ये गो Aapka first card hai, Ace of Swords again communication. <laughs> Ace of Swords itself is you know about communication. So let's see next here Sorceress, the High Priestess. Wow, High Priestess. Next here Six of Swords. Six of Swords. Okay, and the next here Phoenix Judgment. पाओ ये फिनिक्स ओके सो दिस लाइक बहुत ही ट्रांजिशनल फेज चल रहा है शायद सबके लिए बट ओवरऑल ग्रुप नंबर टू के लिए ओके आई एम रियली सॉरी बाहर से बहुत नॉइज़ आ सकता है सो so, ओवरऑल ये वीडियो बहुत नॉइजी लगेगा शायद बहुत लोगों को बट टू बी ऑनस्ट आई एम रियली सॉरी अबाउट इट लेकिन यू नो आई कैन हेल्प इट एक्चुअली ओके यहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है एक्चुअली इतना रात में भी बट एनी सो फॉर ग्रुप नंबर टू आई एम सींग विज ऑफ यहाँ पे दिस इज़ समथिंग अवॉर मैनिफेस्टेशन आप में से बहुत लोगों के लिए आपका थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रॉग है आप अगर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यूज़ करेंगे बहुत कुछ चीज़ आप बहुत ही स्पीड में अपने लाइफ में रैपिडली यू नो ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ें आप बहुत ही फास्ट पेस में मैनीफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में सो so, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने थ्रोथ चक्रा के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हो आप ओके okay? क्या खा रहे हो आप में से बहुत लोगों के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है बट क्या यू नो कम्युनिकेट कर आप किस जगह से आप कुछ बोल रहे हो वो ग्रुप नंबर टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इट्स मैनिफेस्टिंग इन टू योर फिजिकल रियलिटी बहुत कुछ चीज़ें आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं यानी कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो ओके सो द यूनिवर्स वॉन्स यू टू नो कि बी वाइज अबाउट कि आप क्या बोल रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आई एम सींग बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा है बहुत सिचुएशन को लेकर ओके आई एम ऑल्सो सिंग कि बहुत कुछ यू नो कम्यूनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है एंड उस कम्युनिकेशन के थ्रू से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बहुत कुछ थ्रुथ आपको जानने को मिल रहा है ओके सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सींग सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोकस आप कहाँ करना चाहते हो ओके okay? पॉजिटिविटी या निगेटिविटी में इट्स अप टू यू ओके आप क्या चॉइस बनाना चाहते हो अपने लाइफ में सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि आप एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ करें जहाँ पे यू नो कट आउट एनी काइंड ऑफ निगेटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ से पूरी तरह से कट आउट कीजिए अगर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो आपको अभी अगर फाइनली आपको दिखाया पड़ रहा है कि इट्स इट्स नॉट समथिंग रिलायबल या फिर कुछ एक ऐसा एनर्जी है जो आपसे रेजोनेट नहीं खा रहा है ओके दैन इट्स टाइम टू कट इट आउट आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का यू you नो know, बात करने का तरीका हो सकता है खुद का यू ना छूट चक्रा हो सकता है ओके यू आर बिंग गाइडेड कि आप उसको बहुत ही केयरफुली यूटिलाइज करें क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग आ में से बहुत लोग यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सींग सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूव टूवर्ड्स द कालमर वाटर्स अगर कुछ कन्फ्लिक्ट है लेट इट बी अगर कुछ यू uh, नो you know, अभी टेंशन भी है किसी के साथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको रिजोल्व कीजिए एंड मूव टूवर्ड्स कालमर वाटर्स ओके फॉर गिव एंड फॉर गेट फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो डोंट लेट इन एनी काइंड ऑफ निगेटिव एनर्जी अभी करेंटली अपने लाइफ में कुछ निगेटिव एनर्जी मत लाइए क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन फेज़ है सो so, अगर आप निगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो आपके लिए ग्रो होगा एक्चुअली आपके लाइफ में सो या या दैट्स वन थिंग आई एम सिंग सो आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी पे पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए एंड बी वाइज अबाउट कि कहाँ आप अपना फोकस लगा रहे हो क्योंकि वो चीज़ ग्रो होगा आपके लाइफ में करेंटली ओके सो दैट्स वनिंग एम सिंग सो विद द फिनिक्स जजमेंट यहाँ पर बहुत सारा एपिफेनिक बहुत सारा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा वंस यू मूव टूवर्ड्स कालमर वाटर्स आप में से बहुत लोग के लिए आपको बोला जा रहा है कि ये जो भी केयटिक एनर्जी है कन्फ्लिक्ट है अगर आर्ग्यूमेंट है अगर कुछ भी निगेटिव एनर्जी है उसको पीछे छोड़ के अगर आप यू you नो know, uh, एक शांति के एनर्जी में जाएंगे ओके okay, कालमर एनर्जी की तरफ अगर आप जाएंगे आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन हिट करेगा एंड एन एना में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में रियलाइज़ करेंगे आम में से बहुत लोग आप क्रिएटिव फील्ड में हो शायद ओके okay, कुछ क्रिएट यू नो सम समथिंग मासिफ ओके कुछ ना कुछ मासेफ आप क्रिएट कर पाएंगे ओके इन द फ्यूचर सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो रियलाइजेशन आपको हिट करेगा इन द फ्यूचर अगर आप ये सब नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ेंगे तो ओके okay, सो so वो एक मैसेज आ रहा है सो लेट्स सी विद द सोल हेल्पर ओर एगल कार्ड्स हम लोग दो कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर टू सो वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर टू प्लीज इज द यूनिवर्स ट्राइंगज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर टू अबाउट करेंट सिचुएशन ओकेर वी गो सो व डेक है यू आर कॉट अप इन ड्रामा एक्टू फ्री योर सेल्फ चेंज एंड ब्लॉसम अगेन इट्स एग्जैक्टली जो यू नो यहाँ पे निकल के आए सो डेफिनेटली अम में से बहुत लोग यू मे बी अप इन ड्रामा ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को उस एनर्जी से फ्री कीजिए इट्स नॉट फॉर यू ये आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है हमें से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा एनर्जी चल रहा है बहुत स्ट्रांगली आप लोग एक ऐसे हाई वाइब्रेशन में हो जहाँ पे यू कैन क्विकली मैनिफेस्ट एनी थिंग सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ड्रामा को पीछे छोड़िए इट्स नॉट फॉर यू क्योंकि अभी जो आप यू you नो know, जिस डायरेक्शन की तरफ आपको बुलाया जा रहा है इट्स वेरी हाई वाइब्रेशनल ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है सो लेट्स सी फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर लेट दैम शाइन आउट इन रेडियंट लाइट एंड शन सॉरी शन डार्क पाथ्स ओके एंड शन डार्क पाथ्स सो नेक्स्ट फॉलो योर विजन नेवर लूज साइड ऑफ वाट इज़ रियली इंपॉर्टेंट ओके सो यहाँ पे एज आई okay? uh, okay? से फोकस आपका कहाँ है ओके एनआम सिंह देर समथिंग अबाउट फायर ओके हमें से बहुत लोगों के लिए देर आर समथिंग अबाउट फायर आई डोंट नो वाई बनायम सिंह की यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आपका इनर फायर है ओके okay? जो पैशन है आपका जो डिज़ायर है उसके साथ कनेक्ट कीजिए ओके डोंट कनेक्ट विद निगेटिविटी क्या आपके सोल को लाइट अप करता है क्या सोल यू uh, नो you know, क्या एनर्जी है जो आपके लाइफ में पैशन लाता है यू नो इट इग्नाइट्स दैट फायर विद इन यू उसके साथ कनेक्ट कीजिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर टू कि आप फोकस्ड रहे अपने विजन को लेके ओके सो दैट्स वनिंग एम सिंग सो वेयर यू आर बिंग गाइडेड कि नेवर लूज साइड ऑफ वाट इज रियली इंपॉर्टेंट सो क्या इंपॉर्टेंट है अभी उस पर फोकस कीजिए उसको प्रायरटाइज़ कीजिए ओके बिकॉज आई एम सींग फॉर मोस्ट ऑफ़ यूर यू आर डूइंग रेली वेल ओके बट देयर में भी सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड यू जहाँ पे यू you नो know, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट यू नो आपको किया जाता है शायद इन सम वे एंड यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ओके इससे आपको आगे बढ़ना है इसको सरपास करना है एंड दैट्स द मैसेज देर आई एम सिंग आउट योर ओके सो लेट सी हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे सो व्हाट इज द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर टू अबाउट योर करेंट सिचुएशन प्लीज या यहाँ पे मून योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्स द मून ओके लेट्स सी या एक्वारियस दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग रेबेलियस आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल ओके नेक्स्ट है कैंसर दिस एनर्जी इज़ इमोशनल सेंसिटिव केयरिंग एंड लविंग इट मे कंसर्न फैमिली अ मदर और अ चाइल्ड ओके सो हमें से बहुत लोगों के लिए दे आर समथिंग अबाउट लाइक यू नो यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन फॉर श्योर एज आई से हमें से बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो एंड क्या होता है कि बहुत कुछ चीज़ें शायद आपको ट्रिगर कर रहा है करेंटली ये क्योंकि शायद आप ऐसे लोगों से डील करो जो लोग बहुत ज़्यादा अलग एनर्जी से आ रहा है ओके okay? आपसे अलग एनर्जी से आ रहा है एंड पर हैप्स आप लोग रेजोनीट नहीं खा रहे हो ओके दैट्स वाई यूर कॉट अपन ड्रामा आप में से बहुत लोग जो ड्रामा यू you नो know, जिसमें कुछ किसी का भलाई ही नहीं है जिसमें यू you नो know, एनर्जी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है आम में से बहुत लोग वहाँ इन्वॉल्व हो रहे हो एंड यू आर बी गाइडेड टू कम आउट ऑफ दैट यहाँ पे ये शायद यू नो फॉर सम ऑफ़ यू यहाँ पे um, अपने आप को मदर करने की ज़रूरत है फॉर सम ऑफ़ यू अपने आप को नर्चर कीजिए हमें से बहुत लोगों के लिए इट मे बी इन कनेक्शन विद अ मदर फिगर ओके okay, एक फेमिनन uh, फिगर हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए या फिर इट मे बी समथिंग अबाउट फैमिली ओके जिससे आप डील करो बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू uh, नो you know, जब आप ये सब ड्रामा को सरपास करके आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे यू विल फाइंड आउट कि यू you नो know, uh, ये ट्रिवियल एनर्जी डजेंट इवन मैटर एक्चुअली ओके सो यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट योर पर्सपेक्टिव एज वेल जहाँ पे शिफ्ट लाने की ज़रूरत है ओके एंड चीज़ों को और ज़्यादा नर्चरिंग वे में देखना है क्योंकि कैंसर इज़ अ वेरी नर्चरिंग मदरली काइंड ऑफ एनर्जी ओके बट समटाइम्स इट गेट्स इमोशनल डो सो देयर्स अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे ट्रिगर हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें फॉर श्योर ग्रुप नंबर टू के लिए क्योंकि शायद अक्सर आप लोग यू नो थोड़ा इमोशनल हो जाते हो क्योंकि पास्ट की कुछ मेमोरीज uh, है डिसपॉइंटमेंट है जो अभी तक आपके अंदर हील नहीं हुआ है शायद सो so, अभी जब यू नो सिमिलर सिचुएशन आपको दिखाया पड़ता है अपने लाइफ में सो so, वो पास्ट का जो एनर्जी है वो वापस आ जाता है आप ट्रिगर होते हो आपको दुख यू you नो know, आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलता है आपको सैडनेस मिलता है उस एनर्जी से सो दैट इज़ समथिंग जिससे आप शायद डील करो लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यू you नो know, मूव अवे फ्रॉम एनी थिंग दैट डजन रेजोनेट विद यू क्योंकि एक्वारिस्ट जो है ये बहुत ज्यादा फ्रीडम काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप में से लोग बहुत ज्यादा यूनिक हो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉलो दैट जर्नी उसको प्रायोरिटाइज कीजिए जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है उसके साथ आप अलाइनमेंट में रहिए उसके साथ आप आगे बढ़िए ओके चूज अ लविंग काइंड ऑफ एनर्जी इवेंचुअली जाके यू uh, नो you know, आपको लव के साथ कनेक्ट करने को कहा जा रहा है वो जो नर्चरिंग एनर्जी है आपके अंदर उसके साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है ओके okay? क्योंकि अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो देन आपका हार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लोज ऑफ रहेंगे आपका क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा इन अ वे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है बहुत कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड होगा आपके लाइफ में सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग आई एम सीन ओके सो लेट्स सी हम लोग एनर्जी और का कार से एक कर निकालेंगे सो फॉर ग्रुप नंबर टू व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर टू अबाउट योर करेंट सिचुएशन प्लीज़ व्हाट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर अबाउट योर करेंट सिचुएशन व्हाट इज ट्राइंगटर करेंट सिचुएशन प्लीज ओके सो यहाँ पे है सेकेंड चक्रा आर्क एंजल एरियल जो कि है सीकरल चक्रा ओके सो लेट्स सी कम्यूनिटी या सो इट्स टाइम टू मूव टूवर्ड्स connections जो आपके लाइफ में ड्रामा नहीं लाता है okay, सो so ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर टू के लिए कि आप अपने जैसा लाइक माइंडेड कम्युनिटी ढूंढे, ओके जो आपसे एक्चुअली रेजोनेट खाता है एंड आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट विजन यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए क्या चाहते हो एंड यू आर बिंग गाइडेड कि ऐसे लोग ढूँढिए जो आपके विजन के साथ अलाइनमेंट में है जो आपके हायर सेल के साथ अलाइनमेंट में है ओके सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सो लेट्स ट्रेवल और एक आ कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकाल लेंगे सो वट इज़ द यूनिवर्स ट्वेंटी ग्रुप इन डू अबाउट द करेंट सिचुएशन सो आफ्टर द स्टॉर्म है यहाँ पे सो मासिफ रियलाइजेशन ऑफकोर्स ओके एक बहुत ही बड़ा सा एक यू नो स्टॉर्म के बाद आप लोग अभी फ्रेश न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो ओके कम टू लाइफ वाह सो दिस इज़ ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड ओके आप में से बहुत लोगों के लिए अपने यू नो माइंड में ज़्यादा मत रहिएगा आप में से बहुत लोग शायद ओवर थिंकिंग करते हो फॉर ग्रुप नंबर टू एंड यू आर बींग गाइड कि यू you नो know, उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है ओके इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू में से बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली यू नीड टू फाइंड राइट पीपल इन योर लाइफ एंड ऑल्सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो ज़्यादा यू नो ड्रामेटिक एनर्जी में ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट मत कीजिए अगर कुछ ड्रामा चल रहा है देन वहाँ अपना एनर्जी मत दीजिए ओके इट्स नॉट फॉर यू क्योंकि अभी करेंटली आम में से बहुत लोगों के लिए पेन ब्रश जो है किसी चीज़ को पेंट करने के लिए ओके okay, या फिर यू नो जो पेन है वो आपके हाथ में दिया जा रहा है सो जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हो या फिर लिखना चाहते हो नाव इट्स टाइम फॉर यू टू गो एंड डू डैट ओके ये सब कुछ अभी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो अभी से ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर टू सो डेफिनेट देर ऑल्सो समथिंग अबाउट कटिंग आउट इल्यूजन यहाँ पे इल्यूजन को कट आउट करना है अपने लाइफ से ओके फॉर ग्रुप नंबर टू दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग सो डेफिनेटली फाइंड द राइट काइंड ऑफ पीपल सो वही मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर टू ओके एंड यूनिवर्स भी आपसे बोल रहा है कि देयर आर पीपल जो लोग आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में होगा आपके विजन के साथ अलाइनमेंट में होगा ओके okay? एंड राइट नाव यू आर बिंग गाइडेड कि यू नो किसी ड्रामा में मत पड़ी है ओके दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग सो दैट वॉज योर मैसेज फॉर ग्रुप नंबर टू सो हमें से बहुत लोगों के लिए यू मे बी एन एक्वास जेमिनाई ओके पाइसिस सो लेट्स सी व्हाट एल्स कैंसर है यहाँ पे या वट एल्स एरीज फॉर सम ऑफ यू सो वही था ग्रुप नंबर टू का रीडिंग ओके सो आई एम ओनली सींग फ्यू साइंस एक्चुअली सो डजेंट रियली मैटर ओके आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं सो थैंक यू सो मच ओके ग्रुप नंबर टू एज यू सन अगेन मै नेक्स्ट रीडिंग टिल्डन टेक केयर सो हेलो ग्रुप नंबर थ्री अगर आपने ये रेड रोस चूज़ किया है जो कि है करेच देन ये आपका रीडिंग है ओके सो बेसिकली विद दिस ओके आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज किया है वो है ग्रीन एवं चोरिन okay? सो आई एम सिंग की फॉर ग्रुप नंबर थ्री आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा नॉइजी हो सकता है टू डे ओके क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है एज़ ऑलवेज बाहर सो आईज लाइक थिंकिंग कि यू नो कैसे होगा बट एनी वेज़ यू नो रिस पार्डन में यू नो यहाँ पर कुछ उपाय नहीं है एक्चुअली बट एनी वेज़ फॉर ग्रुप नंबर थ्री विद द रेड रोज करेज बी ब्रेव बी स्ट्रॉग बिलीव सो हमें से बहुत लोगों के लिए दे आर समथिंग अबाउट ओके okay, ये यू नो स्ट्रॉग हार्टेड पीपल ओके ये वैसा एनर्जी मिला है जहाँ पे स्ट्रोंग हार्टेड पीपल ओके आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द स्ट्रॉन्ग हार्टेड पीपल ऐसे लोग जो लोग यू you नो know, बहुत ही टफ़ सिचुएशन में भी बहुत ही यू you नो know, सही चॉइस या फिर सही डिसीजन ले सकते हैं चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू बट एनी वेज आई एम सींग की फॉर ग्रुप नंबर थ्री आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद यू नो लव लाइफ को लेके हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रोज है एंड यू नो ग्रीन एवं चोरीन सो दिस इज़ अबाउट योर हार्ट चक्रा सो यहाँ पे कुछ चॉइस है जिसको लेके आपको ब्रीफ होना है एंड स्ट्रॉन्ग होना है एंड जो बिलीफ है जो फेथ है वो रखना है ओके okay? सो so वो एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू आर बीइंग गाइडेड टू बी करेजियस एंड आपकी Uh, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से वही मैसेज आ रहा है कि बी करेजियस ओके अगर कुछ आप चॉइस लेना चाह रहे हो तो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि हार्ट बेस्ड चॉइसेस बनाइएगा क्योंकि यू नो ग्रीन एवं जो है इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट चक्रा ओके आप क्या चॉइस बनाते हो वेन इट कम्स टू योर हार्ट ओके सो ये क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो आपका हार्ट चक्रा जो है इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन ओके मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्यूशन जो है वो आपको आपके हार्ट के थ्रू से मैसेजेस देगा आपके इमोशंस के थ्रू से मैसेजेस देगा कि आपका एक्चुअली गट फीलिंग क्या बोल रहा है आपको आपका हार्ट एक्चुअली आपको क्या बोल रहा है सो दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट योर विशेस एंड डिज़ायर्स ओके फॉर ग्रुप नंबर थ्री आई एम सींग दैट यानी कि आपका एक्चुअली इच्छा क्या है हमेशा से इच्छा क्या रहा है हमेशा से विशेस क्या रहा है एंड यू आर बिंग गाइडेड कि उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने को कहा जा रहा है ओके okay? सो इट में भी इन रिगार्ड्स टनी थिंगे करियर भी हो सकता है गोल्स हो सकता है यू नो लव लाइफ लाइफ चॉइसिस कुछ भी हो सकता है फ्रेंडशिप भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू सो लेट्स ही हम लोग क्रिसलिस्टरो से चार कार्ड निकालेंगे सो वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर थ्री अबाउट यर करेंट सिचुएशन वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर थ्री अबाउट यर करेंट सिचुएशन ओके वन लास्ट कार्ड वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर थ्री अबाउट यर करेंटुए वन लास्ट कार्ड पेज

एंड लास्ट जो है वो है पिलग्रीम पेज ऑफ स्वर्ड्स ओके सो ग्रुप नंबर थ्री के लिए ओके सो आई डोंट नो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो आप, आप किसी चीज़ के लिए ओके okay, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे लेकिन आई एम सेंग कि यहाँ पे कुछ लैक ऑफ एप्रिसिएशन है या फिर लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड ओके फॉर ग्रुप नंबर थ्री यानी कि जो चीज़ आपके लाइफ में ऑलरेडी है उसको लेके कर ग्रैटिट्यूड की कमी है यानी कि आप इतना थैंकफुल नहीं हो तो जितना यू नो एक्चुअली है आपके लाइफ में उस चीज़ को लेके ओके आई एम सिंह की यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड है ओके एंड आई एम सिंह की आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट करो एंड यू फील लाइक आई नहीं रहा है ओके okay, कुछ वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे योर डिसअपॉइंटमेंट आई एम सिंह कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जिस चीज को आप यू नो वेट करो कि ये ढूल जाए इन सम वे ओके ये यहाँ पे सैडनेस हो सकता है यानी कि ये सैडनेस बहुत वक्त से आपके अंदर रहा है किसी डिसअपॉइंटमेंट को लेके किसी सैडनेस को लेके किसी यू you नो know, uh, कुछ ट्रायल एंड इरर हो सकता है जिससे आपने डील किया पास्ट में एंड आई एम सिंह कि उसी से कनेक्टेड कुछ सैडनेस है uh, इसको हील कैसे किया जाए ओके आई एम सिंह की उस चीज़ को लेके आप फ्लूलेस हो बिकॉज आई एम सिंह की ये आप वेट कर रहे हो कि कब ये हील होगा कब ये जो सैडनेस है वो जाएगा ये कुछ वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे वेरी डीप काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सिंह की आम में से बहुत लोगों के लिए यहाँ सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है इन अ वे कि यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि यू you नो know, बहुत कुछ चीज़ें तो एक्चुअली आपके हाथ में ही है ओके okay? बहुत कुछ चीज़ें तो एक्चुअली आप खुद ही मैनिफेस्ट कर सकते हो लेकिन आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो एंड यूनिवर्स आपसे यू नो ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट्स समथिंग दैट यू नीड टू लुक विद इन ओके ये कुछ ना कुछ है जो आपको अपने अंदर झाँक के देखना है ये क्या चीज़ है क्यों आपको इतना यू नो सैड फील हो रहा है इवन इफ़ एवरी इज़ गोइंग वेल ओके okay, बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छा जा रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर थ्री के लिए लेकिन आप में से बहुत लोग एम सिंह की आप सिचुएशन को यू you नो know, बहुत ही अलग ढंग से देख रहे हो आई एम सिंह की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसा फील क्यों करते हो सो दैट्स वन थिंग एम सिंह फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप लोग ये शायद किसी और को ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर कुछ ना कुछ है जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से एंड आप ऑब्जर्व कर रहे हो बहुत टाइम से दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सिंग आई डोंट नो वट विद द क्वीन ऑफ कप्स ओके ये बहुत ही ऑब्जर्वन काइंड ऑफ एनर्जी है फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का सिचुएशन है जिसको यू नो ऑबरव करना है आपको और ज़्यादा गहराई से ओके एंड यूनिवर्स आपसे यही बोलने की कोशिश करे कि द सल्यूशन लाइज विद इन एक्चुअली ये आपके यू नो आउटसाइड सिचुएशन में आपको सल्यूशन नहीं मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए सोल्यूशन जो है वह आपके अंदर ही है Uh, आपको कुछ ना कुछ है चीज़ जो फिगर आउट करना है वो है आपके अंदर फॉर सम ऑफ यू ये करेज की कमी है किसी चीज़ को लेके जिसके वजह से यू नो दिस सैडनेस यहाँ पे कुछ सैडनेस इट्स लाइक जस्ट यू नो आई डोंट नो हा वट इज़ इमो ये बहुत ही सैडनेस एंड यू नो कुछ नहीं हो रहा है ओके okay? ये वैसा एनर्जी है कुछ नहीं हो रहा है एवरी थिंग सीम्स वेरी ब्लै ओके ब्लैक काइंड ऑफ एनर्जी ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे यू डोंट फील लाइक नथिंग यू नो यू फील लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है ओके okay? सेडनेस है थोड़ा दरा दरा सा एक एनर्जी ओके लाइक फियरफुल की कुछ एंडिंग uh, होगा इन्वॉल्व बिकॉज आई एम सिंग इस डर के वजह से आप में से बहुत लोग अगर आप कुछ जानना भी चाहते हो आप लोग जान नहीं पा रहे हो ओके देयर सम काइंड ऑफ एन एनर्जी क्योंकि मर्लिन एंड पेज ऑफ सोर्स है यहाँ पे सो so, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको ऑफ़ ऑफेल लेना है एंड तभी जाके आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेगा फॉर सम ऑफ यू ये कुछ स्पिरिचुअल है यानी कि स्पिरिचुअल आंसर्स आप में से बहुत लोग यू आर टू गो इन टू डेथ डायरेक्शन यानी कि बहुत कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स आपको मैसेज लेने की कोशिश कर रहे बट यू आर फ्ययरफुल कि कहीं ये ना हो जाए कहीं वो ना हो जाए सो so उस चक्कर में आप लोग इस जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो okay? ओके ये वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ पे एंड जिसके वजह से अगर कुछ विजडम भी आपको दिया जा रहा है आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हो एंड यूनिवर्स आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट एनर्जी आप जब उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तभी जाके आपको मैसेजेस मिलेगा तभी आपको जाके विजडम मिलेगा ओके यू विल हैव टू इनिशिएट समथिंग ओके सो वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो so, लेट्स हम लोग सोल हेल्पर औरल कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे सो फॉर ग्रुप नंबर थ्री वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर थ्री अबाउट यर करेंट सिचुएशन I'm so sorry. May group number three may ask the other time why Okay. What is the universe trying to tell group number three about your current situation? One card at a time, please. What is, what is the universe trying to tell group number three about your current situation, please? Okay, here we go. Oh, okay. Cross the bridge of happiness. It leads over the depths of your emotion. सर देयर इज समथिंग विच यू आर नॉट डूइंग जिसके वजह से यू you नो know, आपको आंसर्स भी नहीं मिल रहा जो आपके लिए ओपन है एक्चुअली ओके एंड आप में से बहुत लोगों के लिए एक लिप ऑफ फेथ लेना है या फिर कुछ इनिशिएशन आपको ही लाना है ओके फॉर सम ऑफ यू ये जो सैडनेस ये जो डिप्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी में आप यू you नो know, बहुत टाइम से देयर्स लाइक अ वाइड ये वॉइड है ओके दियार्स काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पर आप एक वॉइड फील करते हो बहुत टाइम से एक एम्टीनस है बहुत कुछ अच्छा चल रहा है बट यू फील ओके okay, यहाँ पे कुछ आपको कमी जैसा लगता है दे समथिंग विच इज़ लैकिंग द ऑफ एवरी थिंग दैट इज गोइंग वेल ओके फॉर ग्रुप नंबर थ्री वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे सो राइज अब द डार्क डेज ऑफ लाइफ डो नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न ओके सो यू आर बिंग गाइडेड कि फेथ रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होपफुल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे जैसा भी सिचुएशन हो ओके okay, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू नो लाइट इज़ गोइंग टू रिटर्न नो मैटर वाट ओके ग्रुप नंबर थ्री के लिए सो देयर्स दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप शायद ज़्यादा निगेटिविटी के ऊपर फोकस करो क्या नहीं हो रहा है आप उस पर ज़्यादा फोकस करो ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सिंग जिसके वजह से यू नो फ्रॉम टाइम टू टाइम आप अपना जो होप है जो ट्रस्ट एंड फेथ है यूनिवर्स पे वो आप गवा देते हो ओके okay? एंड बीच बीच में आपको खुद को शायद यू नो रियलाइज़ कराना पड़ता है शायद कि यू नो थिंग्स विल गो गुड थिंग्स विल गो गुड ये वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे सो अ न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर फाइन द पाथ टू लव एंड हैपीनेस सो ये रिवर्स्ट आया फॉर सम ऑफ यू आई एम सिंग की पास्ट का जो स्ट्रैटेजी है इट्स नॉट वर्किंग ओके यानी कि शायद आप एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करो एक ही पैटर्न को आप बार बार रिपीट करो हमें से बहुत लोगों के लिए डैन में बी वन थिंग ओके okay. किसी किसी ना किसी चीज़ में आप स्टक हो बहुत टाइम से एंड यू आर बिंग गाइडेड कि आपको नया प्लान्स लाना है नया स्ट्रेटजीज लाना है अगर कुछ आप आ, सीखना चाह रहे हो गो हैड एंड लर्न इट लेकिन उसके लिए आपको खुद को इनिशिएट करना पड़ेगा यानी कि कुछ अलग करना पड़ेगा आपको एंड वही गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे कि नया स्ट्रेटजी आपको चूज़ करना है अगर आप कुछ चाहते हो अपने लाइफ में उसके तरफ आपको नया प्लान्स यू नो या फिर नया रास्ता बनाना पड़ेगा ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है सो फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप वही चीज़ नहीं कर रहे हो शायद आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यू नो डिफ़िकल्टी आपको मिल रहा है शायद वो चीज़ करने में एंड यू आर बिंग गाइडेड कि यू नो इट्स टाइम टू ब्रिंग आउट अ न्यू स्टडी यहाँ अभी वक्त आ गया है कि आप नया स्ट्रैटेजी बनाए ओके okay? एंड जो आप चाहते हो एक्चुअली जो आपका एक्चुअल डिज़ायर है उसके तरफ यू you नो know, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है ओके okay? स्ट्रैटेजी में शिफ्ट आएगा प्लान्स में शिफ्ट आएगा बट इनिशियटर आप खुद ही हो ओके दैट्स द मैसेज दैट इज कमिंग थ्रू यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनिशियेट आपको खुद को करना पड़ेगा ओके okay? यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके लिए वेट कर रहे हैं इट्स लाइक अ होल लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय आप में से बहुत लोग एक कुछ इमोशनल uh, ब्लॉकेज है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो एंड जो यूनिवर्स इज हैं कि आप एंसर्स बाहर ढूंढ रहे हो लेकिन एंसर्स जो है वो आपके अंदर ही है ओके देर आर सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज विदिन यू ओके okay, ये कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है पास्ट का कुछ सैडनेस हो सकता है जो बहुत टाइम से यू नो पड़ा हुआ है एंड आप सोच रहे हो कि कब जाएगा ये कब जाएगा लेकिन यू नो योर बेसिकली यूनिवर्स बोल रहा है कि यू you नो know, आपका जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो ऑलरेडी चेंज हो रहा है एंड आप में से बहुत लोग वो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो एंड जिसकी वजह से यहाँ लैक ऑफ एप्रिसिएशन है जो चेंजेस लाया जा रहा है आपके लाइफ में उसको लेके भी क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हो कि एनर्जेटिकली बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है एक्सटर्नली ओके okay, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा यू नो इस इमोशनल ब्लॉकेज में फंस गए हो जिसके वजह से आप देख नहीं पा रहे हो कि बाहर बहुत कुछ चीज़ें एक्चुअली चेंज हो रहा है ओके पॉजिटिवली एक्चुअली सो यहाँ गाइडेंस है कि अपने अंदर झाँक के देखिए हीलिंग जो है वो आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा बाहर नहीं ओके सो दैट्स द मैसेज आई एम गेरिंग सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से दो कार्ड निकालेंगे सो वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल ग्रुप नंबर थ्री योर येंट सिचुएशन okay here we go so you have a capricorn the energy around you is serious materialistic and hardworking it bestows shrewdness and cautious ambition okay very ambitious people perhaps okay so you have a scorpio this energy is intense masterful thoughtful and magnetically charming but also secretive and possessive okay and your first house thora reversed ayah okay uh, what people see and the impression you give सो फॉर ग्रुप नंबर थ्री आई एम सींग की विद स्कॉर्पियो एंड द फर्स्ट हाउस आम में से बहुत लोगों के लिए यहाँ चेंज हो रहा है आप अपने आप को जैसे देखते हो उस चीज़ को लेके फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर थ्री यहाँ पर कुछ शिफ्थ इज़ रेडी टू एंटर योर लाइफ यहाँ पे कुछ यू नो ऑलरेडी रेडी हो चुका है आपके लाइफ में घुसने के लिए ओके okay? ये आपका सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो सकता है जहाँ बहुत ही बड़ा सा शिफ्ट एंड ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है ग्रुप नंबर थ्री के लिए आप में से बहुत लोग आप रियलाइज़ कर रहे हो कि दे आर सम कुछ ना कुछ ट्रूथ है जो आपको पता चल रहा है अपने बारे में स्पिरिचुअल ट्रूथ एक्चुअली ओके एंड आई एम सिंह ये बहुत ही इंटेंस आपको लग रहा है ओके okay? आपको लग रहा है कि थिंग्स आर शिफ्टिंग एंड यू नो बहुत कुछ uh, जैसे जो आप सोचते थे अपने बारे में उसमें भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है शायद ओके सो दैट्स वनिंग आई एम सींग सो यहाँ पे यूनिवर्स का एनर्जी डेफिनली यूनिवर्स इज़ लाइक राइट देर ओके टाइम टू गिव यू मैसेज आप में से बहुत लोग उस चीज़ को यू you नो know, निगलेक्ट निग्लेक्ट नहीं आप ओवर लुक कर रहे हो उस एनर्जी को पर है ओके सो आई एम सींग कि यहाँ पर कुछ स्परिचुअल अवेकनिंग um, है स्परिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है जो चल रहा है आपके लाइफ में अपने आप को लेके आप एक्चुअली अपने आप को कैसे देखते हो आप एक्चुअली अपने बारे में क्या सोचते हो आपका एक्चुअली ट्रू आइडेंटिटी है क्या उस चीज़ को लेके बहुत रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा है शायद करेंटली एंड आई एम सिंह कि ये प्रोसेस जस्ट जब ख़त्म होगा यूनिवर्स वान्स यू टू नो दैट आप अपने आप को और ज़्यादा जानेंगे और ज़्यादा पहचानेंगे एंड यू विल नो कि आप एक्चुअली हो कौन एंड जब आप ये रियलाइज करेंगे uh, सॉरी जब आप ये रियलाइज़ करेंगे आप में से बहुत लोगों के लिए आपका पोटेंशियल और ज़्यादा हाइटेंड होगा ओके ये घटेगा नहीं यहाँ पे ग्रोथ होगा सो so अभी इंटेंस लग सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए आपका करेंट सिचुएशन जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं होगा यू नो दिस इज़ नॉट एट सो दियर्स लाइक इंटरनली कुछ ना कुछ तो है जो चेंज हो रहा है ओके आपके अंदर ही अंदर एंड बहुत कुछ ट्रुथ आप अपने बारे में रियलाइज़ कर रहे हो शेयर फॉर ग्रुप नंबर थ्री ओके एंड ये इंटेंस शिफ्ट एंड चेंज हो रहा है शायद फॉर श्योर sure. आप जिस चीज़ से अलाइन यू नो अलाइन करते थे पास्ट में उससे आप अलाइन नहीं करो करेंटली uh, जिस uh, जो चीज़ आपसे रेजोनेट खाता था पास्ट में आप में से बहुत लोग वो आपसे रेजोनेट नहीं खा रहा है सो देयर समथिंग अनकम्फर्टेबल यहाँ पर कुछ अनकम्फर्टेबल एनर्जी यू नो uh, you know, एक होके रखा हुआ है फॉर सम ऑफ यू आई एम सिंह कि आप रियलाइज़ करो कि आपके अंदर कुछ इमोशंस है Uh, जो थोड़ा यू नो इट्स लिटिल बिट नेगेटिव एंड आप में से बहुत लोग वो 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 चीज़ आप रियलाइज़ करो कि क्यों मैं ऐसे फील करता हूँ कभी कभार क्यों मैं ऐसे फील करती हूँ कभी कभार ओके okay? एंड शायद वो चीज़ अभी सरफेस में आने की कोशिश हो यू you नो know, हो रही है क्योंकि देयर नीड्स टू बी अ रिलीज यहाँ पे कुछ रिलीज़ होना है फॉर सम ऑफ यू ये करियर के आसपास है वर्क प्लेस में शायद आप लोग बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हो अपने बारे में ओके सो दैट मे बी वन थिंग वाह ओके सो लेट मी सी विद द एनर्जी और कार्ड्स हम लोग एक कार्ड निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर थ्री वट इज़ यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल लेम अबाउट योर करेंट सिचुएशन ओके बार डेक है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ या आपके स्ट्रेंथ को भी टेस्ट किया जा रहा है शायद पर हैब्स ओके रेस्ट एंड रिजिवनीशन सो यहाँ पे मेडिटेटिव स्टेट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आप में से बहुत लोग या yeah. शायद आप अपने आपको you know, आप को ज़्यादा इमोशनली यू नो आप हाउ टू से आप शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो फॉर ग्रुप नंबर थ्री जिसके वजह से आप अपने अंदर झाँक के देखते नहीं हो बहुत अक्सर आप नहीं देखते हो ओके दैट्स द वाइप आई एम गेटिंग जहाँ पर कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है जो आप रियलाइज़ नहीं करो कि वो आपके अंदर है जिसके वजह से आप यू you नो know, ऐसा फील करते हो बहुत सिचुएशंस को लेके ये अंदर है आपके अंदर आमें से बहुत लोग इतना बिजी हो शायद या फिर यू नो यू हैव बिन वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग या yeah, मुझे बहुत प्रैक्टिकल लोग याद दिखाया पड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमोशनली यहाँ पे कुछ हीलिंग होना है लेकिन आप लोग फोकस कर रहे हो अपने काम पे ज़्यादा ओके okay? जिसके वजह से वो जो इमोशनल ब्लॉकेज है आप में से बहुत लोग लो रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि क्यों आप अपने इमोशंस से भागते हो आप में से बहुत लोग डैट मे बी वन थिंग ओके बिकॉज आई एम डेफिनेटली सी वेरी प्रैक्टिकल एंड यू नो यहाँ पे कुछ इमोशंस है जो ओवर लुक आपने किया हुआ है बहुत टाइम से एंड यहाँ पे सैडनेस है कुछ वॉइड है जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप क्यों फील करते हो अक्सर ओके okay? इतना सब कुछ है लेकिन फिर भी यू नो यू आर सैड सो यहाँ पे मेडिटेशन बहुत काम आएगा ग्रुप नंबर थ्री के लिए या फिर अपने अंदर झांकना यानी कि जो सेल्फ़ अवेयरनेस होता है जहाँ पे यू नो यू आर रिफ़्लेक्टिंग ऑन योर यानी कि आप समझने की कोशिश करो कि आप ऐसा क्यों फील करो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ग्रुप नंबर थ्री के लिए कि आप ये सोर्स ढूंढ के निकाले कि कहाँ ये चीज़ स्टार्ट हुआ था ओके okay, कौन सा फेज में स्टार्ट हुआ था आपके लाइफ में एंड अभी तक यू नो दिस हैज़ हैजिन गोइंग ऑन क्योंकि आपने उसको एड्रेस नहीं किया है अभी तक ओके सो दैट्स वनिंग आई एम सींग सो लेट्स सी विद अ सेक्रेट टेबल और एक अ हम लोग एक कार्ड निकालेंगे सो वट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू अबाउट योर करेंट सिचुएशन सो so, यहाँ पे है पावर ऑफ अट्रैक्शन ओके आई होप यू आर सींग इट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट फुल सीक्रेट फुल है यहाँ पे सो सीक्रेट फुल जो है स्पीक्स अबाउट लीप ऑफ फेट, इट पीक अबाउट यूनिवर्स पे और ज़्यादा भरोसा रखिए ओके यूनिवर्स okay. आपसे बोल रहे हैं कि यू नो है मोर फेथ इन द यूनिवर्स ओके क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपके अलाइनमेंट में आ रहा है लेकिन यहाँ पर थोड़ा क्लोस्ट ऑफ एनर्जी है सेटनेस है बहुत एंड यहाँ पे करेज या एज आई सेट यहाँ आपको लीप ऑफ फेथ लेना है तभी आगे बढ़ेगा बहुत कुछ चीज़ें करेज की ज़रूरत है बी ब्रेफ ओके बी स्ट्रॉग बिलीफ ओके सो यहाँ पे करेज लाने की जरूरत है कुछ चीज़ करने के लिए अपने लाइफ में एंड फुल जो है ये भी वही है एक्चुअली सेम थिंग इट्स अबाउट लीप ऑफ फेथ करेज ब्रेवरी ओके छलांग मारने का जो एक एबिलिटी uh, है जहाँ पे यू नो आप आपको पूरी तरह से यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है कि यू नो द यूनिवर्स विल कैच यू ओके सो ये वैसा लीप ऑफ फेथ आपको लेना है में से बहुत लोगों के लिए एंड आई एम सिंह कि फॉर सम फॉर मोस्ट ऑफ़ यू यू नो यहाँ पे कुछ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो बट यू आर नॉट टेकिंग द लीप ओके में से बहुत लोग एक्शंस नहीं ले रहे हो उस चीज़ को लेके कुछ ना कुछ है जो आप चाह रहे हो ओके इट मे बी रिगार्ड्स इन रिगार्ड्स टू समथिंग ओके लाइक कुछ लाइफ को लेकर कुछ चेंजेस आप लोग चाह रहे हो एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिप ऑफ फेथ तो आपको खुद को ही लेना पड़ेगा जो फेथ है जो होप है यूनिवर्स पे वो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा इट्स समथिंग इंटरनली है कुछ एक्सटर्नल नहीं है अगर आप मैसेज आप अपने बाहर ढूंढने की कोशिश करो देन इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइक यू नो कंफ्यूजिंग हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए यू you नो know, ये एक चीज़ कहाँ से आ रहा है उस चीज को लेके थोड़ा और ज़्यादा मेडिटेट कीजिए फाइंड आउट द सोर्स रूट कोस क्या है ओके okay, कहाँ स्टार्ट हुआ था ये एंड दैट्स वेन यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि कैसे इसको हील करना है ओके सो दैट्स वनिंग एम सिंग सो तो आम एसे बहुत लोगों के लिए आप शायद वर्गो हो जेमिनाई हो ओके okay? एरिस है यहाँ पे स्कॉर्पियो है या डेफिनेटली लियो है फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न ओके जी या आई ऑलरेडी सही कैंसर है फॉर सम ऑफ यू ओके सो वही था ग्रुप नंबर थ्री का रीडिंग ओके सो थैंक यू सो मच है ग्रुप नंबर थ्री एज यू सैन अगेन नेक्स्ट रीडिंग टिल टेक केयर